भागलपुर रंग ग्राम जन संस्कृति मंच की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रंग महोत्सव के अंतिम दिन शहर के सड़कों पर रंग जुलूस निकाला गया, जिसमें देश के करीब 10 राज्यों के रंगकर्मी, नाट्य कलाकार, डांसर व गायक कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से महोत्सव में पहुंचे कलाकारों द्वारा अपने अपने राज्य और संस्कृति की झलक पेश की गई, जबकि इस दौरान लोगों का मनोरंजन करते हुए कलाकारों ने इस रंग महोत्सव को अपनी संस्कृति पर जीत का प्रतीक बताया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP आनंद कुमार और बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान शाहजहांपुर न्यू थिएटर, श्रीजा फाउंडेशन अहमदाबाद, सवेरा कला मंच डाल्टनगंज उड़ीसा कोलकाता और जलपाईगुड़ी के कलाकारों द्वारा अलग अलग विषयों पर नाटक प्रस्तुत की गई। वहीं इस दौरान DM और SSP ने आयोजन समिति से इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सराहना की, जबकि कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्यक्रम और नाटक का मंचन करने की बात कही। मौके पर रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच के पदाधिकारी, सदस्य, शहर के बुद्धिजीवी, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते 19 अक्टूबर को एक महिला के द्वारा ATM कार्ड से धोखाधड़ी मामले को लेकर बरारी पुलिस को दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर बरारी पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में आरोपी कथित पत्रकार नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को दिए गए आवेदन कांड की वादिनी ने यूट्यूब पत्रकार नीतीश कुमार पर व्हाट्सएप कॉलिंग और चैटिंग के माध्यम से उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि शाहू परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ैया निवासी रविंद्र शर्मा का पुत्र नीतीश कुमार ने ब्लैकमेल करते हुए उनसे 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी, जिसके बाद वादी पक्ष ने छांसे में आकर उसे 2500 रुपए दे दिए, लेकिन आरोपी नीतीश ने फिर से ब्लैकमेल करते हुए पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वादी महिला के द्वारा बरारी थाने में उसके खिलाफ लिखित शिकायत की गई। इधर बरारी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर आरोपी नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, 1 माइक, 1 मोबाइल स्टैंड, 1 चार्जर और वादिनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबाइल चैट की छाया प्रति भी बरामद करने की बात कही है। साथ ही पुलिस ने नीतीश कुमार का आपराधिक इतिहास होने की बात करते हुए बांका रजौन थाने में भी उसके खिलाफ SC ST Act और रंगदारी से संबंधित मामला पूर्व में दर्ज होने की बात बताई। बांकामरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्मा गांव के समीप दरोगा खुर्शीद आलम के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान में 2 बालू लदी जुगाड़ गाड़ी को जब्त किया गया। मामले को लेकर दरोगा खुर्शीद आलम ने बताया कि वर्मा में जुगाड़ गाड़ी से बालू का अवैध खनन किया जाता है, जिसकी सूचना मिलते ही वर्मा बालू घाट के समीप छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान जुगाड़ वाहन के चालक पुलिस गाड़ी को देखते ही मौके से फरार हो गए। वहीं थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि जब्त वाहन व उनके मालिकों के खिलाफ खनन विभाग के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर सुल्तानगंज BDO निशा राय और थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के नेतृत्व में सुल्तानगंज चौक बाजार में छापेमारी अभियान चलाया गया। दीपावली त्योहार को लेकर विस्फोटक पटाखा और प्रतिबंधित सामान को लेकर पदाधिकारियों ने दुकान में छापेमारी करते हुए दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा राय, महिला थानाध्यक्ष किरण सोनी, SI संगम कुमारी ने शहर के विभिन्न पटाखों की दुकानों में छापेमारी करते हुए विस्फोटक पटाखा बरामद किया। वहीं BDO निशा राय ने कहा कि सुल्तानगंज चौक बाजार में पटाखा दुकानदार के यहां छापेमारी कर काफी मात्रा में पटाखा बरामद किया गया है, जिसे बेचने पर प्रतिबंध है और ऐसा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि बिना लाइसेंस के विस्फोटक पटाखे बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापे में ये जो भी विस्फोटक पदार्थ हमें मिला उसे सीज किया गया है, यहाँ पे रखा गया है और उसे चेतावनी दी गई है कि अब से ऐसा पदार्थ जो भी विस्फोटक पदार्थ है वो ना रखे ना बेचे। कितना पकड़ा है? अभी कितना पकड़ा है वो लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कहाँ कहाँ छापेमारी किया गया, कितने दुकानों में? हम लोगों ने 4 दुकानों में जाके छापेमारी की और जिसमें कि एक में मिला, बाकी 3 में तो नहीं मिला। हम लोगों ने काफ़ी जिनका उनके लिए यही हिदायत है कि अगर है तो उसे डिस्पोज कर दें, ना रखें। उसको बेचना बिल्कुल भी इलीगल है, इलीगल, और लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर लाइसेंस है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं रखना है, ना रखना है ना बेचना है।
सुजानपुर के सुर्खीकल स्थित राड़ी आश्रम प्रधान कार्यालय में राड़ी बांधव समिति की ओर से परंपरा अनुसार विजय या मिलियन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा आराधना से किया गया। विजय मिलन समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार घोष ने की, जबकि संचालन रुचि रामकृष्ण सिन्हा ने किया। इस दौरान दिलीप कुमार घोष ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में राड़ी बांधव समिति के भवन का विस्तार एवं इससे मातृशक्ति को जोड़ने की बात कही, जबकि समिति के महामंत्री प्रणब दास ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पिछले महीनों में हुए विकास कार्यों की चर्चा की और अधिक से अधिक समाज के युवाओं को समिति से जोड़ने की बात कही। साथ ही समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए प्रणब दास ने कहा कि वर्ष में दो बार समिति की ओर से वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार दास ने कहा कि समाज के एक एक घर तक समिति को पहुँचना चाहिए, जिससे लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचा सकें। इसके अलावा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता घोष ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया, जबकि भागलपुर और दिल्ली समेत अलग अलग जिलों में समारोह में शामिल होने आए समाज के बुद्धिजीवियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। एक और जहां विजय मिलन समारोह में समाज के हर आयु वर्ग के लोगों और बच्चों ने हिस्सा लेकर एक दूसरों को शुभकामनाएं दी, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान राड़ी बांधव समिति बिहार भागलपुर के संस्कार पत्रिका का भी विमोचन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शौर्यराज, श्रीजिका, शाम्भवी, रितेश घोष, देवव्रत घोष और उमा घोष समेत समाज के कई लोगों ने गीतों को प्रस्तुत किया, जबकि तनुश्री, अर्जिता दास, नित्याराज और मयूरी सिन्हा समेत कई प्रतिभागियों ने अपने नृत्य प्रस्तुत किए और वहां मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। मौके पर डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर JP सिन्हा, प्रोफेसर आशुतोष दत्ता, अभय घोष, सोनू, अवधेश सिन्हा, अर्चना सिन्हा के अलावा काफी संख्या में राड़ी समाज के पुरुष, महिला एवं युवक युवती शामिल थे। भागलपुर में पहली बार चौबीस हबीब एकेडमी आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बालिका वर्ग बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को खेले गए पहले मैच में गया और भागलपुर अंडर 17 टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में खेले गए इन मैच में भागलपुर की टीम ने गया को 16-10 के अंतर से पराजित कर दिया। वहीं अंडर 19 के एक अन्य मैच में भागलपुर और मुजफ्फरपुर टीम आमने सामने भिड़ी, जिसमें भागलपुर के खिलाड़ियों ने जोरदार खेल दिखाते हुए मुजफ्फरपुर की टीम को 16-2 के अंतर से पराजित किया। इसके अलावा तीसरा मैच रोहतास और गया अंडर 14 टीम के बीच खेला गया, जिसमें गया ने रोहतास को 24-16 के अंतर से मात दे दी। वहीं सोमवार की शाम अंडर 17 आयु वर्ग का पहला सेमीफाइनल भागलपुर और मुजफ्फरपुर टीम के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर ने मुजफ्फरपुर को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बता दें कि रविवार को टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन भागलपुर सांसद के द्वारा किया गया था, जबकि सभी आयु वर्ग का फाइनल मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। इसको लेकर जिला खेल पदाधिकारी जयनारायण कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षा के साथ कई तरह के खेलकूद की प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छात्र छात्रा शिक्षा के साथ खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर अपने देश एवं राज्य का नाम रोशन कर सके। उन्होंने बताया कि बास्केटबॉल टूर्नामेंट में बालिका अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 के खिलाड़ी ने हिस्सा लिया,
जिसमें भागलपुर के अलावा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, रोहतास समेत 7 जिलों के करीब 150 खिलाड़ी भाग लेकर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के तत्वावधान में राज्य स्तरीय अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता लगातार 3 दिनों तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में राज्य के 7 जिलों के लगभग 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो अच्छे प्रदर्शन करेंगे तो उनमें से लगभग 36 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु जो बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे उनका किया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार प्रदेश पंच सरपंच की न्याय यात्रा सुल्तानगंज पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत प्रखंड के पंच एवं सरपंचों द्वारा फूल माला पहनाकर किया गया। इस दौरान सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष विमल किशोर यादव के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश के पंच सरपंचों ने प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, प्रदेश संयोजक भूपेंद्र ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष विशिष्ट निषाद, प्रदेश संगठन मंत्री नागेश्वर प्रसाद सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम में मंच संचालन सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष विमल किशोर यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि यह न्याय यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन स्थल चंपारण बेतिया से गांधी जयंती के दिन प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला के नेतृत्व में निकाला गया, जो चलकर 26वां जिला भागलपुर के सुल्तानगंज की धरती पर पहुंचा, जहां लोगों ने सभी का स्वागत भव्य तरीके से किया।